वापस आएंगे। जिन मजदूरों ने अपना खून पसीना एक कर इस शहर के विकास के लिए लगा डाला, ये शहर उन मजदूरों को न सहारा दे पा रहा और न दो वक्त की रोटी। अगर उनको कुछ मिल रहा तो सिर्फ और सिर्फ जिल्लत और धिक्कार। दुकान पर काम करने वाले निर्माण मजदूर, बड़ी सब्जी मंडी, फैक्ट्री, साप्ताहिक बाजार में काम करने वाले मजदूरों की संख्या अगर जोड़ी जाए तो कम से कम 30 लाख से अधिक मजदूर हैं। ऐसे में भारत में किसानों की खेती बर्बाद हो रही है। अगर उन किसानों को खेती से कुछ कुछ प्राप्त हुआ तो मंडी तक नहीं पहुंच पा रहा। ये सरकार उन किसानों के लिए ना ही कोई सुविधा और ना ही कोई मदद अभी तक जारी की है। गरीब और भुखमरी से ये किसान पीड़ित है। ये किसान ना शहर जा सकते हैं और ना गांव में खेती कर सकते हैं। ऐसे में गरीब किसान और मजदूर करें तो क्या करें? दिल्ली सरकार के निर्माण मजदूर बोर्ड में 43,000 रजिस्टर हैं और नए रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं। 8,500 नाइट शेल्टर में रुके हैं। दिल्ली से बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब तक 59,000 मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें करीब 75% बिहार के हैं। मजदूरों का कहना है कि किस भरोसे से शहर वापस दोबारा आए? अब दोबारा शहर में आने की हिम्मत ही नहीं बची है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ मजदूर ऐसे भी हैं जो अपने गांव जाना नहीं चाहते। उनका कहना है कि किस सहारे गांव में जाए, ना हाथ में पैसा है और ना कोई काम। गांव में जाते ही काम भी नहीं मिलेगा और शहर में रहकर हमें ये उम्मीद तो रहेगी कि एक दिन लॉकडाउन खुलेगा और हमें काम नसीब होगा। ऐसे में मजदूरों का गुहार है सरकार से कि हमें पैसे नहीं काम चाहिए। 1,000 रुपए से मजदूरों का कुछ भला नहीं होने वाला। सरकार को एक नई रणनीति और योजना बनाने की जरूरत है, जिससे मजदूरों का पेट भर सके और उनकी गरीबी दूर हो सके और उनको रोजगार और काम मिल सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब मजदूर का परिवार भूखमरी गरीबी से मर जाएगा। हमारी आपसे ये निवेदन है कि इस जानकारी और अनुरोध को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और खबरों के लिए जुड़े रहे करंट न्यूज से। धन्यवाद।